यानी इसके बावजूद भी मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 10 बरस जो है लंदन में रहा हूं और मैं जानता हूं इसराइल क्या है। लंदन में गोश किसकी दुकान से खरीदते थे? यहूदी की दुकान से, क्योंकि वो हलाल होता है, कोशर। अब एक कोरमे के लिए यहूदी तस्लीम, बातचीत के लिए यहूदी तस्लीम नहीं है तुमको। मैं आपको आखिरी दफा कह रहा हूं अनवर, कि कोरमे को सियासत से अलग रखना। आई एम वार्निंग यू, कोरमे को सियासत से अलग रखना, क्योंकि आज तक किसी मजहब ने कौमे की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। और वैसे भी जो तुम जिस बात पे पटा मचा रहे हो, गोश लेने मैं नहीं, मेरी बीवी जाती है। फलस्तीन की मुश्किल आसान करने के लिए हमारी हुकूमत इसराइल से बातचीत कर रही है। अगर ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी फिलिस्तीनियों की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि इसराइल से बातचीत की जाए। तो पूरा नाम क्या है? अनवर मकसूद हमीदी। बस जवाब मुझे मिल गया। हमीदी यहूदी। तो दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है हमारा खानदान कहाँ से आया है, कौन बुजुर्ग थे हमारे? हमारे तो आपके खानदान से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना कुछ लेना देना है। मैं आपके खानदान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ काफिए की। हमीदी यहूदी। अप्रिशिएट ना करना, कैसी लाया हूँ? तालीम कहाँ हासिल किया? मैं कोई जाहिल नहीं हूं, मदरसे से पढ़ा हूं, मदरसे से। मैं इस काबिल से बातचीत करता हूं, आप लोग जब तक इश्तहार देखें।